इतना अच्छा रास्ता है, मतलब दोनों तरफ गार्डनिंग हो रखी है, पेड़ वगैरह रखे हैं। यहाँ से अगर एक व्यू दिखाऊँ आप लोगों को कॉलेज का, तो कुछ व्यू आता है इस तरह, एकदम सुपर व्यू आता है बहुत ही यार। कॉलेज तो बहुत सुंदर है, हम लोग ग्राउंड है जहाँ पर अभी गुरु रंधावा आए थे, तो उनका जो स्टेज थी वो उधर ही लगी थी। और मेन एंट्री कॉलेज की, एक इधर गेट है, इधर से एंट्री है और इधर से एग्जिट है। यहाँ पर अगर आप आओगे एडमिशन लेने, तो आपको यहीं पर एडमिशन कराना होगा। सब ऐसे ऊपर से बना हुआ है ये पूरा, और गोल है पूरा, ये आप देख रहे हो ना, ये पूरा गोल है इधर तक, है ना। सबसे पहले सामने लिखा है एलेवन वर्टिस। सो यो व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे और मौज में होगे। एक और न्यू व्लॉग आ गया आप सबके लिए, और भाई ये व्लॉग होने वाला है कॉलेज टूर का। मैं अपना कॉलेज का टूर देने वाला हूँ इस व्लॉग में, तो भाई व्लॉग में बने लास्ट तक, बहुत मजा आने वाला है व्लॉग में। कॉलेज के एकदम बाहर, और कॉलेज का बाहर का एंट्रेंस दिखाऊं तो यही है मेन एंट्री कॉलेज की। एक इधर गेट है, इधर से एंट्री है और इधर से एग्जिट है। यहाँ पे है एक ATM, और सामने जो हाईवे जा रहा है ये दिल्ली और लखनऊ वाला हाईवे पे, और अभी इधर से एग्जिट है, इधर से एंट्री, और कॉलेज का फ्रंट है जहाँ से आप आओगे। तो अभी चल रहे हैं अंदर, और यहाँ पे एंट्री वगैरह करानी होती है, और अभी चल रहे हैं अंदर, फिर अंदर से पूरा कॉलेज घुमाते हैं आपसे। और इधर से ये एक भाई अंदर जाने के लिए कॉलेज का, एक इधर से मतलब इधर से हम लोग क्लासेस के लिए जाएंगे, तो इधर से बसेस जाती हैं जो उधर मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर रोड मिलता है। और ये सामने एंट्रेंस है कॉलेज के, जैसे घुसोगे आप तो भाई यहाँ पे पहुँचोगे, सबसे पहले सामने लिखा है 11 वर्टिस, और उधर जो है बस वगैरह जो है वो सारी पार्क होती है वहाँ पर। यूँ बस घूम के आती है पूरा उधर से, और वहाँ पे बस पार्क होती है, पार्किंग वगैरह सारी वहीं पे। एक एंट्रेंस वहाँ से कॉलेज का, जो आप अंदर घुसोगे, ये मेन गेट है। अंदर की जो एंट्रेंस है वो एक इधर से है, एक फ्रंट से है और एक इधर से है, और ये है एडमिन, जहाँ पर अगर आप आओगे एडमिशन लेने, तो आपको यहीं पर एडमिशन कराना होगा सबसे पहले। और भाई एडमिशन कराना होगा तो यहाँ पर ये थोड़ी गार्डन वगैरह और यहाँ पर स्ट्रक्चर अंदर बन रखा है ये कॉलेज, मतलब इम्प्रेसिव लगे तो उसके लिए। और सामने ये लिखा है आई लव यूनिवर्सिटीज, उसके साइड में है लाइब्रेरी जो है ये टी ब्लॉक। हमारे कॉलेज में तीन ब्लॉक हैं, टी ब्लॉक, एम ब्लॉक और यू बी ब्लॉक। तो एम ब्लॉक जो सामने वाला है, ये बिल्डिंग एम ब्लॉक है, इसके पीछे टी ब्लॉक अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो टी ब्लॉक में जो लगती हैं IT या फिर BTech की क्लासेस, उसका ये है लाइब्रेरी। और यहाँ से अभी अंदर चलते हैं, और यहाँ पे बोर्ड्स वगैरह लगे हैं, जैसे आप कॉलेज में आओगे तो आपको पता चल जाए एकेडमिक ब्लॉक कौन सा किधर है, अभिरुचि ऑफिस जैसे, और ये लाइब्रेरी का दिया जैसे, ये लाइब्रेरी का है ना। और इधर है ये अभिरुचि ऑफिस, यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हो ये है अभिरुचि ऑफिस। 7 क्लब्स हैं कॉलेज में, गेम्स वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह जो भी एक्टिविटी होती है सारे कराते हैं, तो उसका ऑफिस है ये सामने, जो अभी सामने देख रहे हो ऑफिस, यहाँ लिखा है अभिरुचि ऑफिस पूरा, है ना। तो ये वही क्लब है, और सामने जो अभी आपको दिख रहा है एकेडमिक ब्लॉक 2 लिखा हुआ है, ये सामने आपको दिखाऊँ, ये है टी ब्लॉक कॉलेज का, जिसमें BTech की और मतलब टेक्निकल फील्ड की जितनी क्लासेस है वो सारी लगती हैं। और ये है भाई एम ब्लॉक सामने जो आप देख रहे हो, ये इधर से एक रोड है और फिर इधर अभिरुचि ऑफिस के लिए जाता है, जिधर है टी ब्लॉक और ये है एम ब्लॉक। सबसे पुराना ब्लॉक है कॉलेज का, इसमें क्लासेस लगती हैं। और यहाँ से अभी हम सीधे चलेंगे, तो आप लोग को दिखाते हैं आगे पूरा कॉलेज। अभी हम लोग इधर से आए और यहाँ पर अभी आ गए हैं, तो यहाँ पर अपने लोग आ गए हैं, और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाऊँ कॉलेज का। तो ये है एम ब्लॉक पूरा, और इधर का, इधर से एक एंट्रेंस है, इसके एग्जिट भी इधर से है, मतलब किधर से भी एंट्रेंस एग्जिट, 2 गेट हैं इसके, एक इधर और एक है इधर। और सामने जो आपको दिख रहा है ये है ऑडिटोरियम, अभी आपको पास से ले जाके दिखाऊंगा इसे। और ये सामने है वर्कशॉप, और ये है कंप्यूटर सेंटर, जिसमें CSED क्लासेस वगैरह लगती हैं, जो हम लोग की मतलब BTech है, IT सेक्टर या फिर BCA, जितने उसकी CSED क्लासेस जो लगती हैं वो लगती हैं इसमें। ये कंप्यूटर सेंटर है, ये है अंदर वर्कशॉप, इसमें मतलब पता नहीं किसकी क्लासेस लगती हैं, लेकिन ये वर्कशॉप है बहुत बड़ा, और इधर मैंने देखा नहीं है कभी इसमें, तो उसका इतना पता नहीं है। और ये व्यू है बीच में से, मतलब जो ये रोड यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, पाथ यहाँ से बीच से ये व्यू है कॉलेज का, बहुत ही अमेजिंग और सुंदर व्यू आता है यहाँ से कॉलेज का। अभी चलते हैं भाई इधर, और इधर गार्डनिंग वगैरह हो रखी है, तो यहाँ से अभी लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं। ये सामने जो आप देख रहे हो, यहाँ से एक रास्ता है हॉस्टल्स के लिए, बॉयज़ हॉस्टल के लिए, वो देख उधर से है, और ये है ऑडिटोरियम। और अभी इधर चलेंगे, कैफ़े वगैरह आप लोग को पूरा विजिट कराएंगे, पूरा दिखाएंगे। तो यार इधर है कैफ़े, इधर चलते हैं, अभी आप लोगों को कैफ़े दिखाते हैं और टी ब्लॉक दिखाते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे UV ब्लॉक की साइड, और हॉस्टल्स वगैरह हैं वो दिखाएंगे आप लोगों को पूरे। सुबह से अभी अपने लोग आ गए हैं टी ब्लॉक पे, और जो अभी मैं आपको टी ब्लॉक दिखा रहा था, ये जो बिल्डिंग दिखा रहा था मैं एकेडमिक ब्लॉक 2 की, ये मैं दिखा रहा था इधर से, और अभी हम लोग आए हैं इधर से, जो मैं बता रहा था रोड वगैरह जॉइंट हो जाते हैं ये। और इधर है पार्किंग, जो बसेस वगैरह खड़ी हैं सामने, और ये है एकेडमिक ब्लॉक 2 टी ब्लॉक इसे कहते हैं, और इसमें BTech वगैरह की क्लासेस वगैरह लगती हैं। और अभी चल रहे हैं इधर, और ये आपको कैफेटेरिया सामने दिख रहा होगा, अभी कैफेटेरिया आपको दिखाते हैं। और आप कॉलेज में देखोगे तो हर जगह पेड़ और गार्डन वगैरह सब दिखती रहेगी, और एकदम यहाँ पे यार नेचर का बहुत मतलब अच्छे से ख्याल रखा गया है। और सामने ये है कैफ़े, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, ये कैफ़े है, इसमें आप जाओ अपने खाना पीना खा सकते हो। इधर ये कि ये हट बना दिया है, उधर हट है, यहाँ पर बैठ सकते हो आप एकदम मस्त, और बाहर आके भी खाना खा सकते हो जो भी आपने ऑर्डर किया है वो। और ये है कैफ़े की एंट्रेंस, यहाँ से आप एंट्रेंस कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो कैफ़े में।
और अभी चलते हैं इधर, और इधर आप लोग को पूरा दिखाते हैं, आगे यूवी ब्लॉक है और भी चीज़ें हैं सारी देखने को, वो सब दिखाते हैं आपको। और ये है पेट्रोल पम्प, जो कॉलेज की बसेस वगैरह होती हैं सबकी पेट्रोल जो है वही यहीं से भरती है। और ये है आप बताओ, यहाँ ये पंखा वगैरह बने हैं, तो यहाँ फ़ोटो वगैरह क्लिक करा के और हमने डाल सकते हैं सोशल मीडिया पे, हैशटैग या लोकेशन यूनिवर्सिटीज़ के डाल सकते हो भाई, किसी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो। और ये है ऑडिटोरियम, इसमें सारे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, जो भी होता है मतलब वो सारे प्रोग्राम इसी में होते हैं हम लोगों के, आई मीन जो बाहर नहीं होता, जो बाहर होते जैसे ये ग्राउंड है तो यहाँ पे लॉन में हो जाते हैं, लेकिन जो इंटरनल प्रोग्राम या बंद जगह होते हैं वो होते हैं इसी में। और वैसे एक ये एंट्रेंस है बॉयज़ हॉस्टल के लिए, और यहाँ से इधर अलाव नहीं है बॉयज़ को 6 बजे के बाद, और इधर से हो जाते हैं गर्ल्स हॉस्टल वगैरह शुरू। ये यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी है इसके इधर हम लोग बॉयज़ जो होते हैं वो आ नहीं सकते 6 बजे के बाद, एकदम एंट्री बंद है। अभी बज रहे हैं 4, तो मैं 4 बजे आए व्लॉग बनाने, और यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, तो ये पता नहीं भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं पता अभी है ना। और अभी हम लोग चलते हैं इधर, और जो आपको बता रहा था कि एक जो बस होती है वो इधर से घूम के आती है, जो आप मैंने एंट्री पे दिखाया था, वो बस जो आती है वो यहाँ से आती है और फिर इधर से जो है वो सीधे निकल जाती है उधर। और गैस यहाँ से अगर एक व्यू दिखाऊँ आप लोगों कॉलेज का, तो कुछ व्यू आता है इस तरह, एकदम सुपर व्यू आता है बहुत ही यार। कॉलेज तो बहुत सुंदर है हम लोगों का, कॉलेज बढ़िया भी है एकदम, पढ़ाई वगैरह सब बढ़िया है कॉलेज में, एकदम बढ़िया। और गैस ये इधर से ये जो बोर्ड लगा है यहाँ से हो गए गर्ल्स हॉस्टल से स्टार्ट है ना, तो ये आपको जितने हॉस्टल दिख रहे हैं ये सारे गर्ल्स के ही हैं। इस साइड हम लोग चलते हैं इधर यूवी ब्लॉक की साइड, और उससे पहले इधर अभी काम चल रहा है, कुछ बना रहे हैं मतलब बैठने बैठने का, जैसे उधर हट बनी थी वैसी कुछ इधर बन रहा है, इतना पता नहीं है कुछ, तो एक इधर बन रहा है, एक आगे बन रहा है, एक उधर बन रहा है ना। और ये इधर गर्ल्स हॉस्टल है, अभी चलते हैं आगे, और आप लोगों को यूवी ब्लॉक दिख रहा होगा सामने, तो अभी यूवी ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो अभी चलते हैं सीधा यूवी ब्लॉक दिखाते हैं आपको। और गाइस एक ये एंट्रेंस है, ये है गर्ल्स हॉस्टल के लिए, और एक इधर बन रहा है ये कुछ, यहाँ पे मतलब ये कुछ भी सजाने वगैरह वो कर सकते हैं, या फिर गार्डनिंग कर सकते हैं, या बैठने उठने के लिए यार कोई भी हट टाइप बनवा सकते हैं, कुछ भी बन सकता है पता नहीं है, देखें क्या बन रहा है। और गाइस ये है जिम गर्ल्स हॉस्टल की, ये जिम है जो ब्लू शीशे लगे हुए हैं, और यहाँ से देखो ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते पर जाने में बहुत अलग ही वाइब्स आती हैं, इतना अच्छा रास्ता है, मतलब दोनों तरफ गार्डनिंग हो रखी है, पेड़ वगैरह रखे हैं, और यहाँ पर यार झड़ गए, अभी पता चढ़ चल रहा है, तो ये पेड़ वगैरह के पत्ते वत्ते झड़ गए, और जब पत्ते होते हैं तो एकदम छाव हो जाती है इसमें, बहुत अच्छा लगता है इधर। और ये एक इधर हॉस्टल बना है गर्ल्स का नर्मदा, और ये है गेस्ट हाउस, कोई भी गेस्ट वगैरह कॉलेज का आता है या फिर कोई भी सेलिब्रिटी टाइप आता है तो वो वहीं हॉस्टल पे मतलब जो गेस्ट हाउस है वहीं रुकता है। और ये है गाइस अपना यूवी ब्लॉक, और अभी अपने आ गए हैं यहाँ पे, उधर गर्ल्स वगैरह बॉयज़ दोनों हैं और वो अपने खेल रहे हैं वॉलीबॉल, और इधर देखो है ना। और इधर चलते हैं, पहले आपको यूवी ब्लॉक का जो फ्रंट से मेन साइड है जो वो है, वहाँ से आपको पूरा व्यू देते हैं यूवी ब्लॉक का, फिर उसके बाद चलेंगे आगे लेके, और फिर इधर दिखाएंगे पहले ये अपनी लाइब्रेरी, इधर का भी एंट्रेंस पूरा दिखाएंगे कैसे है, तो अभी आपको दिखाते हैं पहले यूवी ब्लॉक पूरा। तो यार अभी आ गए हम लोग बीच में, और उधर से होता है हमारा यूवी ब्लॉक शुरू, और ये है भाई बीच में एंट्रेंस, ये आपको दिख रहा होगा एकेडमिक ब्लॉक 3, और वहाँ पर जाके ख़त्म होता है ये, और ये है व्यू यूवी ब्लॉक का। और अभी हम लोग चलते हैं इसमें अंदर, और अंदर से आपको यूवी ब्लॉक का अंदर का जो व्यू है एकदम बिल्डिंग वो आपको दिखाते हैं, बहुत ही अमेजिंग बिल्डिंग है, बहुत मस्त। सो वैसे अभी अपने एंट्री कर रहे हैं यूवी ब्लॉक 3 में, यूवी ब्लॉक में है ना ये, एकेडमिक ब्लॉक 3 में, और ये है एंट्री अंदर कॉलेज के यूवी ब्लॉक में, जो बिल्डिंग है वो ये है, और यार ऐसे ऊपर से बना हुआ है ये पूरा, और गोल है पूरा, ये आप देख रहे हो ना, ये पूरा गोल है इधर तक है ना, ये व्यू है अंदर इसका यूवी ब्लॉक का अपना। और जैसे इधर बिल्डिंग बनी हुई है ये सर्किल से, ये सर्किल है इससे जो इधर ऐसे बिल्डिंग बनी है, ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है उधर की साइड सेम। और अभी हम लोग चलते हैं सामने जो ग्राउंड दिख रहा है इधर चलते हैं। सो इस पीछे की साइड से ये बिल्डिंग हमारे कॉलेज का, यहाँ पर लिखा यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटी, और पूरा ही यूवी ब्लॉक है सामने तक। और ये आपको पीछे ग्राउंड दिख रहा है, ये ग्राउंड है जहाँ पर अभी गुरु रंधावा आए थे, तो उनका जो स्टेज थी उधर ही लगी थी, और यहीं पर उन्होंने परफॉर्मेंस किया था। ये है फुटबॉल ग्राउंड, उधर है क्रिकेट ग्राउंड उधर बना हुआ है, और सारे मतलब जितने हैं ग्राउंड्स वगैरह अभी आपको दिखाऊंगा, और उधर है वॉलीबॉल का। अभी मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाके और इसका पूरा व्यू देता हूँ, कितना बड़ा है ये सामने से आपको दिख रहा होगा अभी तो है ना। सो गाइस अपने काफ़ी पीछे आ गए हैं, और यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी सामने है ना, और ये है यूवी ब्लॉक, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मैं ब्राइटनेस बढ़ा के थोड़ा दिखा रहा हूँ है ना। तो ये है यूवी ब्लॉक अपना पूरा, और ये है ग्राउंड। अभी निकलते हैं ग्राउंड से, और आप लोग को अभी दिखाते हैं लाइब्रेरी जो हमारी इधर बनी हुई है, जिसे मतलब यूवी ब्लॉक के जितने स्टूडेंट्स हैं वो जिस लाइब्रेरी में जाते हैं वो लाइब्रेरी दिखाते हैं। यहाँ पे खेल रहे हैं वॉलीबॉल स्टूडेंट्स है ना, और यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट है, उसी के सामने जस्ट अपनी लाइब्रेरी है इधर। सो गाइस ये है अपनी लाइब्रेरी, जिसमें यूवी ब्लॉक के जितने स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स इसी लाइब्रेरी में जाते हैं।